बोली अरे अंदर और श्री प्रकाश उसको रखा जाए, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तो हम चाहते हैं इस पर अधिक चर्चा हो और एक संगठित रूप में कार्य हो आगे का। तो कल चूंकि हम लोग ने घर पर जाना, उक्त अभिभावक को इतना बुरा लगा कि उसने 8 लड़के विद्यालय भेज के विद्यालय के अंदर जनार्दन जी को भयंकर मारा पीटा व 354 के फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। श्रीमान जी, इस घटना ने हम सभी विद्यालय के संचालकों को झकझोर कर रख दिया कि शायद भविष्य में इस तरह की घटनाओं की बाढ़ ना आने लगे। श्रीमान जी, आप इस संबंध में संज्ञान लेते हुए अविलंब 16-12-17 तक फर्जी मुकदमा जांच करा के वापस कराएं तथा पिटाई करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें, नहीं तो समस्त प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, कोचिंग सेंटर्स एवं अन्य संगठन अग्रिम कार्यवाही हेतु धरना प्रदर्शन व चक्का जाम व विद्यालय बंद जैसी चीजों के लिए मजबूर हो जाएंगे। आशा है कि आप उक्त संबंध में शीघ्र ही निस्तारण करेंगे, यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी। जांच कर लूंगा, एविडेंस आएगी तो जाएंगे, जेल नहीं आएगी तो जाएंगे। जिन्होंने मारपीट की वो भी जेल जाएंगे, लेकिन जांच एविडेंस तो आएगी तब तो जाएंगे। भाई किसी चीज को जाना करो, उनकी डॉक्टरी के लिए रोका गया, उन्होंने भी मुकदमा लिखा है कि मेरे साथ मारपीट हुई, उनकी डॉक्टरी हुई, यहाँ हुई, हमीरपुर में हुई, दोनों जगह डॉक्टरी करने के बाद मैंने उनको मुचल के बेमुक्त कर दिया। अब जब एविडेंस आएगी, और अगर एविडेंस आ गई तो कोई माई गला रोक भी नहीं पाएगा अरेस्टिंग से, और नहीं आई तो फिर कोई भेज भी नहीं पाएगा। और अगर उनके खिलाफ एविडेंस आई तो वो भी जाएंगे। सर ये निर्धारित कैसे होगा कि ये दूसरी के लिए? ये कोर्ट निर्धारित करेगी, एविडेंस जो आएगी वो होगा। मतलब ये सर अंदर जाएंगे? ये पहले से क्यों कहा जाए? अंदर जाना होता तो चले जाते, जब एविडेंस आएगी ये पहले से नहीं कहा जाता। अब विवेचना के लिए बहुत टाइम है, और ये तो एक विदेश आज को प्रभावित करने वाला दबाव अब। अरे भाई तो जो जो चीज थी वो बताओ ना, किसको समझाना है, कौन दबाव दे रहा है ये बताओ। आप कह रहे हो कि यहाँ बैठे, रुक जाओ, जब आपको सही बातें नहीं मालूम कि मास्टर साहब यहाँ बैठे हैं कि घर पे, तो फिर आपको जब मालूम है नहीं तो दबाव तो पड़ सकता है। लोग ये कहते हैं कि पकड़ गए मास्टर साहब, तो कहाँ पकड़ गए, उसकी जानकारी कर ली जाती। आप भी साहब क्या नया हो रहा, नहीं हो रहा? अभी फिलहाल में कोई नया तो हुआ नहीं है। अच्छा। और जो चल रहा है प्रोसीजर वो सुनने में आया कि मान लो लिख गया गया, मुकदमा लिख दिया गया है। सुनने में क्या आया, उसकी एफ आई आर आपने भी की? उन्होंने एफ आई आर हो गई, विवेचना नहीं हो रही क्या? डॉक्टरी नहीं हो रही क्या? बंद कोई मिला नहीं, हम किससे पूछे? जब आप बंद दिए हो तो हम पूछे किससे? तो आप जब आए आज भी बंद है, तो जब मिलेंगे उसका जो हमको विवेचना का जो प्रोसीजर है, किससे पूछना, क्या करना है मेरा?